तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप PNB वन एप्लीकेशन से अपना जो ATM कार्ड है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। या दोस्तों आपको कहीं पर भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से ATM कार्ड अप्लाई कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के लिए। तो इसके लिए आपको सिंपल सा जो PNB वन एप्लीकेशन है ना उसके अंदर आपको रजिस्टर यहाँ पे करना होगा उसी अकाउंट नंबर से जिस अकाउंट नंबर से आप अपना ATM कार्ड मंगवाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल लाइव आपको ATM कार्ड कैसे आपको इसकी रिक्वेस्ट डालनी है और उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा कितना टाइम लगता है आपके घर पर आने पे। और दोस्तों ATM कार्ड की आपको अनबॉक्सिंग भी इस चैनल पर यहाँ पे मिलने वाली है और उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जैसे ही मुझे ATM कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों आपको सिंपल सा PNB वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके बाद आपको सिंपल सा इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, बहुत ही ईजी है, आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सिंपल सा एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब आपको इसके अंदर अपना ATM कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सर्विसेज का, आप देख सकते हैं, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा डेबिट कार्ड का, आप देख सकते हैं दो नंबर पर, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ से आपको फिजिकली आपका डेबिट कार्ड ATM कार्ड आपको मिल जाएगा, या फिर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस इसके अंदर आपको फिजिकल यहाँ पे ATM कार्ड नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो डेबिट कार्ड होता है उसी को हम ATM कार्ड यहाँ पे बोलते हैं। और दोस्तों उसके बाद में आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको हॉटलिस्ट डेबिट कार्ड पर यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक बार चेक करना है कि अगर आपने पहले से कोई अपना ATM कार्ड तो नहीं बना के रखा है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सिंपल से अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने है और आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको वेट करना है। तो अभी आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नो कार्ड लिंक यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा अकाउंट नंबर है इससे मैंने कोई भी ATM कार्ड नहीं बना के रखा है। अब आपको अपना नया ATM कार्ड के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे डालनी होती है, तो आपको सिंपल सा अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपल से अपने अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑन कार्ड, यानी कि आपने ATM कार्ड पर क्या नाम यहाँ पे रखना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पे डाल देने हैं। तो दोस्तों जैसे अपने ट्रांजैक्शन पिन डालोगे तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली लग जाएगी ATM कार्ड के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट लगा दी थी, मेरी वीडियो यहाँ पे नहीं बन पाई थी कुछ रीज़न के वजह से, तो इतना करते ही आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आपने ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ATM कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 दिन का यहाँ पे टाइम लग सकता है, आपको एक मैसेज यहाँ पे मिलेगा और वो मैसेज मुझे मिल भी चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं मुझे मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है PNB की तरफ से, 19 फरवरी को मुझे मैसेज मिल चुका है। यहाँ पे आप देखते हैं योर डेबिट कार्ड हैज बीन डिस्पैच्ड बाय स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पर आपके पोस्ट ऑफिस पर आपको मिल जाता है। और यहाँ से आप इस वेबसाइट पर जाकर ट्रैक भी यहाँ पे कर सकते हैं आपका ATM कार्ड कहाँ पर है। तो दोस्तों इस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ATM कार्ड की अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, जैसे मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।